वेब दुनिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, 18 साल पूरे किए आपने और बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव। हेमा मालिनी और उनके पति धर्मेंद्र की पहली पत्नी के बच्चे के रिश्तों को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। इस बारे में कभी किसी ने नहीं बोला। माना जाता रहा है कि सनी देओल और बॉबी देओल ने हेमा मालिनी से दूरी बनाकर रखी है और हेमा को उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा। 16 अक्टूबर को हेमा मालिनी का जन्मदिन था। इस मौके पर उनकी बायोग्राफी बियॉन्ड ड्रीम गर्ल जारी हुई। इस किताब में हेमा ने सनी और बॉबी से अपने रिश्तों पर चुप्पी तोड़ी है। इस किताब की लॉन्चिंग पर हेमा ने कहा कि सभी सनी बॉबी से मेरे रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी, हमारे बीच बेहतरीन रिश्ता और सौहार्द है। जब भी जरूरत पड़ती है, सनी हमेशा मौजूद रहते हैं। 2 जुलाई 2015 को राजस्थान में मेरी कार दुर्घटना हुई थी, जब मैं आगरा से जयपुर जा रही थी। मेरी मर्सिडीज कार से आल्टो कार टकरा गई थी। मेरी नाक फ्रैक्चर हो गई थी और चेहरे पर चोट आई थी। जब मैं घर लौटी तो सबसे पहले सनी देओल ही मुझसे मिलने आए। उन्होंने फैसला लिया कि सही डॉक्टर मेरा इलाज करें और टाके लगाएं। उन्होंने पूरे इलाज के दौरान ध्यान रखा। इस तरह का रिश्ता है हमारा। इस बायोग्राफी को मशहूर लेखक रामकमल मुखर्जी ने लिखा है। इस किताब को दीपिका पादुकोण ने लॉन्च किया। इसकी खास बात यह है कि इसकी प्रस्तावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है।